किसी भी कार्य की सफलता का विचार सबसे पहले दिमाग में आता है, यानी आप पहले सफल होने का सपना देखते हैं, उसके बाद उस सफलता के लिए काम करते हैं। इसके बाद आपका देखा हुआ सपना रियलिटी में बदल जाता है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि दिमाग हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। किसी भी काम के लिए हमारा दिमाग ही हमें प्रेरित करता है, जिसके बाद हम उसके लिए कोई एक्शन कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग का हेल्दी रहना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में हमें अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने दिमाग को हेल्दी रख सकते हैं। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो तंदुरुस्ताए नमः, जहां हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारियां देते हैं। तो जैसा कि आज हम मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के बारे में बताने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। कहते हैं कि गुस्सा हमारे विवेक को नष्ट करने का काम करता है, लेकिन कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, जिस कारण रक्त धमनियों पर प्रेशर पड़ता है और उसका बुरा असर व्यक्ति के दिमाग पर सीधा पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति की याददाश्त और निर्णय लेने की पावर पर बुरा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करें, बेवजह गुस्सा ना करें। नींद के समय नींद ही लेना, वहीं अच्छी नींद हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव असर डालती है। इतना ही नहीं, नींद से हमारे दिमाग की थकान भी कम होती है और उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों को ठीक से नींद नहीं आती या देर से सोने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। ऐसे लोगों के दिमाग के सेल्स रिलैक्स होने की बजाय उनको बीमार बनाते हैं, जिस कारण सिर में दर्द, थकान, आलस, भूलने की समस्या, एकाग्रता में कमी आदि तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ें और मोबाइल को खुद से जितना हो सके रात के समय दूर रखें। इससे आपको आसानी से नींद आने लगेगी। रात में सोते समय मुंह ढककर सोने से कुछ लोगों को बड़ा रिलैक्स मिलता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी ये आदत आपके दिमाग पर नेगेटिव असर डाल सकती है। इसके कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। इसे जब भी सोएं तो मुंह को कवर करके ना सोएं। वहीं कुछ लोगों को मीठा खाना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन शुगर की ज्यादा मात्रा से दिमाग की कॉग्निटिव स्किल और सेल्फ कंट्रोल पर काफी असर पड़ता है। साथ ही इससे डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं, तो आज से ही उसको लिमिटेड मात्रा में खाना शुरू कर दें। ब्रेकफास्ट करने की आदत डालें। बहुत से लोग सुबह जल्दी के चक्कर में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट शरीर के लिए एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। वहीं अगर आप इसे स्किप करते हैं तो यह आपके दिमाग को दिन भर के लिए पर्याप्त पोषण नहीं दे पाता और इसका असर आपके दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपका दिमाग अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए नियमित रूप से हेल्दी डाइट, हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर लें। अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़े किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें लिखें। हेल्थ से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए देखते रहिए तंदुरुस्ताए नमः। नमस्कार।